हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ केस स्टडी लेके आई हूँ कल के एग्ज़ाम के लिए। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कुछ अलग अलग प्रकार की, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। मेरे पास मैसेज आया हुआ था एक, उन्होंने केस स्टडी के लिए बोला था, तो मैं इसलिए ये वीडियो लेके आई हूँ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हैं बहुत सारे, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। और मैं अभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आपको वीडियो के थ्रू भी बता दूंगी, और मैंने एक वीडियो भी डाला है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेंस और प्रीलिम्स की वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी। तो चलिए पहला हम केस स्टडी देखते हैं। आप नगर पालिका परिषद में निर्माण विभाग में एक अधिशासी अभियंता के पद पर हैं और वर्तमान में आप एक फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के प्रभारी हैं, मतलब आपको प्रभार दिया गया है। आपके अधीन दो कनिष्ठ अभियंता हैं, मतलब आपके असिस्टेंट हैं, जो प्रतिदिन निर्माण स्थल के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं तथा आपको विवरण देते हैं, और आप विभाग के अध्यक्ष मुख्य अभियंता को रिपोर्ट देते हैं। निर्माण कार्य पूर्ण होने को है और कनिष्ठ अभियंता नियमित रूप से यह सूचित करते रहते हैं कि निर्माण कार्य परिकल्पना के विनिर्देशों के अनुरूप हो रहा है या नहीं, ये आपको बताते रहते हैं। लेकिन आपने अपने आकस्मिक निरीक्षण में कुछ गंभीर विसामान्यताएँ और कमियाँ पाई हैं जो आपके विवेक अनुसार पुल की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। इन स्तर पर इन कमियों को दूर करने में काफ़ी निर्माण कार्य को गिराना और दोबारा बनाना होगा, जिससे ठेकेदार को निश्चित हानि होगी और कार्य समाप्ति में भी विलंब होगा। क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम के कारण परिषद का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए जनता का बड़ा दबाव है। जब आप स्थिति मुख्य अभियंता के संज्ञान में लाए तो उन्होंने अपने विवेक अनुसार इसको बड़ा गंभीर दोष ना मानकर इसे उपेक्षित करने की सलाह दी। उन्होंने परियोजना को समय से पूरा करने हेतु कार्य को आगे बढ़ाने का कहा, परंतु आपको ये आश्वस्त है कि मतलब आपको पता है कि ये गंभीर प्रकरण है जिससे जनता की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और इसका भिन्ना ठीक कराए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में आपके करने के लिए कुछ विकल्प हैं, इनमें से प्रत्येक विकल्प का गुण दोष के आधार पर मूल्यांकन कर अंततः सुझाव दीजिए कि क्या आप इस कार्रवाई करना चाहेंगे और क्यों। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको पहला आपके पास विकल्प है कि मुख्य अभियंता की सलाह को मानकर आगे बढ़ जाइए। दूसरा है कि सभी तथ्यों और विश्लेषण को देखते हुए स्थिति को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए मुख्य अभियंता से लिखित आदेश का निवेदन करें कि इसमें कुछ सुधार होना बाकी है। अगला है, कनिष्ठ अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगें और ठेकेदार को निश्चित अवधि में दोष निवारण के लिए आदेश दें। इस विषय को बलपूर्वक उठाएं ताकि वह मुख्य अभियंता के वरिष्ठजनों तक पहुँच सके। पांचवा है कि मुख्य अभियंता के अनम्य विचार को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना से अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन करें और बीमारी की छुट्टी पर चले जाएं। ये पांच विकल्प हैं। अब आप कौन से विकल्प को यूज़ करेंगे, ये आपका आंसर लिखना है आपको। पहला है, लिखेंगे, यदि अधिशासी अभियंता स्वयं आश्वस्त है कि पुल के निर्माण में गंभीर कमियां हैं जो पुल की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में वह अपने मुख्य अभियंता की सलाह को बिल्कुल नहीं मान सकता। यद्यपि मुख्य अभियंता का अनुभव उससे अधिक है, फिर भी वह कार्य की वास्तविकता से स्थल से परिचित नहीं है जो आप हैं। अतः यह विकल्प उचित नहीं है कि अधिशासी अभियंता मुख्य अभियंता की सलाह को मानकर आगे बढ़ जाए। तो पहला विकल्प हमने माना नहीं। दूसरा है, देखो इस प्रकार से प्रतीत होता है, कुछ कुछ वर्ड जो है क्लिष्ट हिंदी वर्ड का उपयोग करना है, और एथिकल वर्ड जैसे रहते हैं नैतिक, दुविधा, समस्या, ये चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है संज्ञान में। तो इस तरह के यूज़ करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा। देखो पिछली बार 2019 की केस स्टडी की बात करें तो बहुत ही सरल आ गया था, जैसा कि गद्दांश पद्दांश आते हैं ऐसा आ गया था। अब हम कुछ कह नहीं सकते आयोग के मूड किस मूड में बैठा है, किस के प्रकार की केस स्टडी दे दे, आपको अपनी तैयारी अपने स्तर से बेहतर करनी है। दूसरा विकल्प उचित प्रतीत होता है क्योंकि इसमें मुख्य अभियंता मुद्दे को वास्तविकता व तथ्यात्मक जानकारी से परिचित होकर अपनी सलाह पर पुनर्विचार कर सकते हैं, किंतु दूसरी ओर यह भी संभव है कि मुख्य अभियंता इस कदम को अपनी सलाह की अवहेलना मानकर आक्रोश में सत्य को छिपाने का प्रयास करे। ऐसी स्थिति में अधिशासी अधिकारी तकनीकी रूप से तो अपने स्तर से चूक करने से बच जाएगा, किंतु अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के प्रति आत्मग्लानी उसे परेशान करती रहेगी। तीसरा है, विभागीय नियमों की दृष्टि से तो यह तीसरा विकल्प ही उचित है, किंतु इससे कार्य में विलंब होगा, अनावश्यक तर्क वितर्क बढ़ेगा, क्योंकि दोनों कनिष्ठ अभियंता जिन्होंने लापरवाही और तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया है अपने बचाव में दलीलें पेश करेंगे तथा अनुचित दबाव भी बनाएंगे। ठेकेदार भी पुनर्निर्माण के खर्च व अधिक समय लगाने से बचने के लिए तर्क वितर्क करेगा और अनुचित तरीकों का प्रयोग भी कर सकता। अतः यह विकल्प केवल विभागीय नियमों की पूर्ति में सहायक होगा और व्यवहार में यह कारगर सिद्ध नहीं होगा।
चौथा है मुख्य अभियंता के वरिष्ठ दलों तक मामलों को पहुंचाने के लिए विभागीय प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है अथवा सीधे वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में मामला लाया भी जा सकता है। एक लोक सेवक द्वारा मामले को सार्वजनिक रूप से उठाना किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। तो चौथा बिल्कुल पहला और चौथा तो टोटली रॉन्ग होंगे। अगला है इस विकल्प के अनुसार बीमारी की फटी ले लेना या अपने स्थानांतरण के लिए बीमारी की छुट्टी ले लेना या स्थानांतरण की आवेदन एक अच्छे अधिकारी के रूप में पूरी तरह अनुचित है। इससे अधिशासी अभियंता की अक्षमता उत्तरदायित्व से बचने की प्रवृत्ति का पता चलता है। इससे पता चलता है कि अधिकारी को अपने स्वास्थ्य की अधिक चिंता है, स्वार्थ की चिंता है, जनता के जीवन और सरकारी संपत्ति की हानि की कोई चिंता नहीं है। अतः पांचवा विकल्प भी सही नहीं होगा। मेरी दृष्टि से मैं अधिशासी अभियंता को मामले की वास्तविकता व तथ्यात्मक जानकारी की रिपोर्ट मुख्य अभियंता को देने के साथ साथ उसकी प्रतिलिपि मुख्य अभियंता के वरिष्ठों को भी उपलब्ध करा देना चाहिए। दूसरी ओर अपने कनिष्ठ अभियंताओं व ठेकेदारों से बात करके उन्हें परिस्थिति की गंभीरता व कर्तव्यनिष्ठता को समझाने का प्रयास करें। देखिए कर्तव्यनिष्ठता इस प्रकार के वर्ड मैं बोल रही हूँ, ऐसे वर्डों का यूज़ करना बहुत आवश्यक है। किसी भी स्थिति में गंभीर कमियों के साथ पुल का निर्माण पूर्ण ना होने दें। सत्य सामने आने वाली गलती स्वीकार करके पुनर्निर्माण कराने से जनता के बीच में भी अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि मुद्दा अंततः जनता की जीवन रक्षा से जुड़ा है और उनसे जन दबाव भी कम होगा। तो इस प्रकार हम ये आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं कुछ अलग अलग टाइप के आपको करवा देती हूँ। ये देखिए एक पुलिस कॉन्स्टेबल है और वो स्वास्थ्य के आधार पर ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रह रहा है। उसने अनुपस्थित रहने का कारण बीमारी बताया। पुलिस अधीक्षक ने उस कांस्टेबल की जान के लिए क्या वह वास्तव में बीमार है ये पता करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित होने के बावजूद कांस्टेबल जो है वो चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। यह भी पाया गया कि उसे कांस्टेबल द्वारा दिया गया तर्क झूठ और महज बहाना भर था, जिसके कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत की गई। उस कांस्टेबल को बड़ी सजा भी दी गई। उसके पश्चात वह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँच गया, जहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई सजा को जायज ठहराया गया। इसके कुछ विकल्प हैं। आलोच्य पुलिस कांस्टेबल ने किन किन नियमों की अनदेखी की? क्या पुलिस कांस्टेबल का व्यवहार सिविल सेवा आचार नियमावली के संगत था? यदि नहीं तो क्यों? तो कर्मचारी व उसके नियंत्रण अधिकारी के बीच यह मूल सिद्धांत है कि कर्मचारी को उसके अधियंत्रण अधिकारी द्वारा बने गए आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यह साफ जाहिर है। आदेश उसके कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक आदेश कानूनी के लिए विशिष्ट प्रावधानों को समर्थित होना चाहिए। यदि प्रत्येक आदेश को उसकी ओर से जारी किए गए किसी विशेष कानून को आवश्यक किया जाता है तो लोक सेवाओं में अनुशासन लागू करना लगभग संभव हो जाता है। कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी से कर्तव्यों से संबंधित कोई निर्देश देने के तहत लोक सेवकों को कोई विशेष कार्य न करने के आदेश भी शामिल हैं। अब उपयुक्त मामले में क्या होगा? कांस्टेबल ने अपने नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अवहेलना की। आगे सत्यापन में भी यह पाया गया कि कांस्टेबल द्वारा जो उद्धत कारण थे वो गलत थे। इस प्रकार कांस्टेबल के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि वह असफल रहा। किसके लिए? पूर्णता ईमानदारी बनाए रखने में, कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने में। उसने ऐसा व्यवहार किया जो कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय था, इसलिए उसने केंद्रीय सिविल आचार नियम 1964 के नियम 3(1) का उल्लंघन किया। एक उचित मामला पाए जाने के कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को भी शुरू किया गया और अंततः कार्यवाही के आधार पर सक्षम अधिकारी ने कांस्टेबल को सजा दी। सी सदर अदालत द्वारा भी सक्षम अधिकारी की कार्यवाही का न्यायोचित ठहराना भी पूर्णतः सही था। चूंकि आचरण नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी, इसलिए प्रत्येक को इसका अनुपालन अनिवार्य है। अगला जो है वो कोविड-19 के वाला है। कोविड-19 वाला ये क्वेश्चन आ सकता है। आप मध्य प्रदेश के विकासखंड डबरा में SDM के पद पर हैं। इस समय तीव्रता कोविड-19 जो खतरनाक तीव्रता से फैल रही है और भारत में भी फैल चुकी है। लॉकडाउन के चलते एक व्यक्ति चोरी छुपे दिल्ली से सीधे अपने घर आ जाता है। 4-5 दिन बाद आपको जानकारी मिलती है कि उस व्यक्ति के संक्रमित होने के कारण उसका पूरा परिवार संक्रमित हो गया, जिसमें एक 70 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल है। यह आपके क्षेत्र का पहला मामला था जिसके कारण लोगों में भय फैल गया और लोग उस व्यक्ति की लापरवाही पर आक्रोशित हो रहे थे। उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु क्या कार्यवाही करेंगे?
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आप लोगों के लिए किन किन उपायों को बनाने के लिए जागरूक करेंगे, इस तरह चोरी छुपे आने वाले लोगों को रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे। कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैं निम्नलिखित कार्रवाई करूंगी। फ्रेंड्स, आप 2000 अभी आपने 2020 का एग्ज़ाम दे रहे, अगर 2021 मेंस आप देंगे, जब भी 2022 मेंस देंगे तो आप हमारा मेंस का पैकेज ले सकते हैं, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ। ये फोर्थ पेपर के साथ आपको केस स्टडी की एक बुकलेट मिलती है, मेंस की आपको टोटल 41 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं और 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। तो मेंस का जो मेरा पैकेज है वो हैंड रिटन है टोटली और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। तो अगर आप मेंस का पैकेज मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे 2 बजे से 8 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं, और जहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कोविड-19 के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए एक प्रशासनिक अधिकारी क्या क्या कार्यवाही करूँ, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते क्या क्या करूँगी। किसी गांव मोहल्ले में संक्रमण का मामला आया है, उस पूरे इलाके मतलब जहां लगभग 200 मीटर का क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उस क्षेत्र में आवाजाही को पूर्णतः प्रतिबंध करूंगा। उस पूरे इलाके में सैनिटाइजर से सैनिटाइज करवाऊंगा। संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आए लोगों को चिन्हित करूंगा, उन्हें होम क्वारंटाइन होने का आदेश दूंगा तथा उन्हें चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध करवाऊंगा, और किसी भी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर तुरंत हेल्पलाइन संपर्क करने के निर्देश दूंगा। इस तरह का क्वेश्चन आए, कोई बदल के भी आए तो ऐसे आंसर लिख देना है। क्षेत्र में धारा 144 लगाऊंगा, जिससे भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। साथ में कुछ लॉकडाउन संबंधी निर्देश भी जारी करूंगा, जैसे दुकानों के खुलने व बंद होने का समय। लोगों को संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनना, हाथ धोना आदि के प्रति जागरूक करूंगा और लोगों में व्याप्त भय को भी कम करने का प्रयास करूंगा। लोगों से सरकारी निर्देशों के पालन करने की अपील करूंगा। बाहर से आने वाले लोगों को सीधे घर न जाने तक क्वारंटाइन होने के निर्देश दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या था, ये तो था क्या करेंगे, दूसरा है जागरूक कैसे करेंगे आप। तो कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए कैसे मैं जागरूक करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें इसका अनाउंसमेंट करवाऊंगा, कम से कम 2 गज दूरी रखें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में इकट्ठे ना हों, बार बार हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अनावश्यक घर से बाहर होने से बचें, आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करते हुए प्रतिरोधात्मक व उपचारात्मक उपायों को जानें, सरकार द्वारा जारी निर्देशों को परिवर्तित जानकर प्राप्त करने और उनको पालन करने के लिए मीडिया को भी जागरूक करें और मीडिया द्वारा लोगों को जागरूक करवाया जाए। गर्म पानी और आयुर्वेदिक काढ़ा पीने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। किसी भी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर डॉक्टर या हेल्पलाइन पर संपर्क करें। और जो चोरी से छुपे लोग आएंगे उनके लिए आप क्या करेंगे, तो इस ऐसे लोगों पर मैं कार्रवाई या अर्थदंड का प्रावधान करूंगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत ऐसे लोगों पर न्यायिक कार्रवाई करूंगा। स्थानीय समाचार पत्र एवं न्यूज़ चैनल पर लोगों को सूचना दूंगा, उनको सहयोग प्राप्त करना कि स्थानीय लोग अन्य शहरों से आने वाले लोगों की सूचना प्रशासन तंत्र तक पहुँचाएँ। बाहर से आने वाले लोगों हेतु भी कई विशेष पास की व्यवस्था करूँगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हम केस स्टडी का लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी केस स्टडी है लेकिन बहुत टाइम चला जाएगा, आपके पास भी समय कम है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, कुछ और मैं रात को भी बताऊँगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर ले जा रही हूँ अपने, जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ 3 नंबर के प्रश्न हैं, जैसे कि सुकरात की धात्री प्रणाली, बौद्धिक प्रसाविका, सोफिस्टो प्रोटीगोरस, सत्यशोधक समाज, चार्वाक दर्शन, नास्तिक क्यों बोलते हैं, चार्वाक के 2 वर्ग, अबुल कलाम की प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भूमिका, प्रचंड बौद्ध प्रतीत समुत्पाद सियाबद। और भी क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगी। ये मनोवृत्ति परिवर्तन का एक क्वेश्चन डाला हुआ है, क्योंकि मनोवृत्ति का इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो फ्लो चार्ट सहित मैंने ये क्वेश्चन डाला है। मनोवृत्ति क्या है, उसके घटक प्रकार प्रकार्य बताइए, किस प्रकार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, निर्माण की विधियाँ, मनोवृत्ति मूल तथा मनोवृत्ति और अधिक्षमता में अंतर, कोरोना काल में बचाव में मनोवृत्ति ने किस प्रकार भूमिका निभाई, मनोवृत्ति और विश्वास में अंतर, प्रबोधक संप्रेषण और पूर्वाग्रह की विशेषताएं, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता में अंतर। इसके बाद भ्रष्टाचार धारणा सूच, भ्रष्टाचार से 2 प्रश्न तो समझिए आना ही आना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, व्हीसल ब्लोअर अधिनियम 2015, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013, CBI, राज्य सतर्कता आयोग, संथानम समिति, भ्रष्टाचार को समझाकर भ्रष्टाचार निवारण के उपाय,
भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा, भ्रष्टाचार मापन तथा अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता। एक और बात बोलूँगी, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर लिए हों तो वो ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं वो आना ही आना है। मतलब प्रीवियस ईयर्स के पेपर में से एथिक्स हमेशा से ही पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।